बसमिल रहीम मेरा नाम डॉक्टर हसन सलीम है मैं कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर में और ये माशा इस एरिया की सबसे पहली और मुनफरद जो है एक मशीन हमारे पास इंस्टॉल हुई है इधर ही इस्लाम आबाद डायग्नास्टिक सेंटर एपटाबाद ब्रांच के अंदर और ये वन पॉइंट फाइव है फिलिपस प्रोडीवा और ये इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस तरीन जो टेक्नोलॉजी है वो इस मशीन के अंदर मौजूद है और उसी के सिलसिले में हम यहाँ ट्रेनिंग्स कर रहे थे और हमारे पास अभी इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेनर्स आए हुए हैं सिंगापुर से फ़िलिप्स जो कंपनी है उसकी तरफ से जब भी ऐसी एडवांस मशीन लगाई जाती है तो उसकी ट्रेनिंग के लिए फिर आ, ट्रेनर्स भी इंटरनेशनली हमारे पास आते हैं तो ये अलहमदिल्ला ऐसी मशीन है जिसके अंदर आ, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनकी तश्स पहले मुमकिन नहीं थी पाकिस्तान के अंदर आ, ना सिर्फ एपटाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो आ, इस मशीन के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके अंदर सबसे जो मुनफरद और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो हार्ट के एम आर आई की है काड़े के एम आर आई की, की। आ, ये हार्ट जो है इसमें जो भी आज तक टेस्ट होते थे उसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिनका अभी भी, भी तश्ीस जो है मुमकिन नहीं थी पाकिस्तान के अंदर और कार्डिक के हमारा आए के बाद जो कि दुनिया में हर जगह इस्तेमाल होता है यू एस में यूरोप में यू के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ये सबसे एडवांस तरीन आ, सिस्टम है जो कि हार्ट के मसल्स और ऐसी बीमारियाँ जो हार्ट के पटों को अफेक्ट कर सकती हैं उसके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और सबसे पहले न सिर्फ के अपटाबाद में बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये सबसे एडवास तरीन टेक्नोलॉजी के साथ ये स्कैनर मौजूद है अलहमदिल्ला इधर और इसके अंदर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो कि अगर पहले कहीं काड़े के एम आर आई हो भी रहा है तो उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अब मौजूद हैं कि जो बग़ैर इंजेक्शन के भी हम हार्ट के मसल्स की बीमारी के बारे में जान सकते हैं आ, इसके अलावा पूरी दिमाग जो भी पूरे जिसम के हिस्से हैं आ, सर से ले कर पैर तक तो ये एम आर आई स्कैनर बहुत तेज़ मुनफरद है इस लिहाज से कि ये हर किस्म की बीमारी और हर किस्म के अज़ा के लिए ये स्कैन कर सकता है जिसमें छोटी सी छोटा ऑर्गन जैसे आँख है आ, तो उनको भी ये बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है जिससे मरीज़ों की बीमारी की तशीस जो है वो आसान हो जाती है और इसके अंदर बेशुमार ऐसे नए सॉफ़्टवेयर्स मौजूद हैं जिससे हम अब मरीजों की शरीनों को देख सकते हैं कि उनकी कितनी तंगी आ चुकी हुई है आ, ये पहले मरीज़ सीटी स्कैन कराया करते थे और सीटी स्कैन के अंदर आपको पता है रेडिएशन होती है शुआँ होती हैं जिसका तो कुछ नुकसान होते हैं मरीजों को एम इस हवाले से एक बहुत सेफ़ किस्म की मशीन है जिसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है और हम इसके अंदर कोई रेडिएशन यूज़ नहीं कर रहे तो ऐसे लोग जिनको रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए मिसाल के तौर पे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो उसके लिए भी एमआरआई फिर ज़्यादा प्रेफरेबल है हम एमआरआई को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रेडिएशन मौजूद नहीं है और इसका कंट्रास्ट भी जो हम इंजेक्ट करते हैं जो द, 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 दवाई दी जाती है ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छी नज़र आएँ वो गुर्दों को उस हद तक नुकसान नहीं पहुँचाती जिस तरह सी स्कैन की जो कॉन्ट्रास्ट है वो पहुँचा सकता है तो एम की बहुत सारे फ़वाद ऐसे हैं जिससे ऐसे मरीज़ों की तश्ीस जो पहले मुमकिन नहीं थी अब वो मुमकिन हो चुकी हुई है और ऐसे मरीज़ जो कैंसर के मरीज हैं जिनको बार बार स्कैंस करने की ज़रूरत पड़ती है कि उनका ट्यूमर कैंसर कम हो रहा है या बढ़ रहा है उसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त मशीन एम आर आई की फ़ायदेमंद है उस लिहाज से क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं है तो आप इसको हर महीने हर दिन के बाद भी इसको रिपीट कर सकते हैं ताकि दवाइयों का असर देखे जा सकें कि क्या वो ट्यूमर बढ़ गया या कम हो चुका है। तो इस तरह तदादाद ऐसे फ़वाद हैं इस मशीन के जो अभी एम आर आई यहाँ पर इंस्टॉल हुई है अलैकुम जी मेरा नाम डॉक्टर आतिफ नवाज़ है और मैं आई डी सी एप्टाद में एज़ ए कंसल्टेंट डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशन काम कर रहा हूँ आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि आम आवाम को और डॉक्टर्स को हम ये आगाही दे सकें कि हमारे पास जो 1.5 पॉइंट फाइव टेस्टा फ़िलिप्स का एम आर लगा हुआ है प्रोटीवा दैट इज़ लेटेस्ट मैगनीट जो कि सबसे ज़्यादा जदीद मैगनीट है दुनिया में और पाकिस्तान में टोटल तीन ही लगे हुए हैं जो कि सिर्फ आई डी सी के पास हैं इस एम आर आई जो वन पॉइंट फाइव टेस्टा हमारे पास लगा हुआ है इसकी मदद से हम बहुत से टेस्ट और स्कैनस कर सकते हैं जो तशखीस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एक तो इसके बाद बहुत से फ़ायदे है ये हैं कि बहुत क्विक स्कैन करता है अगर हम आ, किसी पेशेंट की एनजियोग्राफी रन करना चाहें और उनके गुर्दे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और हम कंट्रास्ट नहीं दे सकते तो हम बग़ैर कंट्रास्ट की एनजियोग्राफी भी कर सकते हैं जिसम के पूरे हिस्से की जैसे दिमाग की कर सकते हैं पेट की टाँगों की गुर्दों की एक तो दूसरा यह है कि हम इंटेरोग्राफीज़ कर सकते हैं जिसमें हम आंत के अंदर के हिस्से की जो अंदर की जिली है उसकी बीमारियां उसमें पता लग सकती हैं फिर इसमें हम एक चीज़ और ऐड हैं अपने रीजन में जो कार्डिक स्कैन है आज आज, आ, आज से पहले यहाँ तक कभी कोई कार्डिक एम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ तो ये पहला एम होगा जिसमें हम दिल के सारे एम किए जाएंगे जिसमें छोटे बच्चे जिनके अगर दिलों के कोई अमराज हैं उसकी भी तश्ीस हो सकती है कोई एडल्ट्स हैं बड़े हैं जिनके दिल की मसल्स की बीमारी है उसकी भी हम तश्स इससे आराम से कर सकते हैं दूसरा एक और इसमें बड़ा स्पेशल जो सर्विस और फैसिलिटी है वो हम आयरन कोांटिफिकेशन कर सकते हैं जो थैलेमिया के बहुत से पेशेंट्स हैं उनके दिल में या जिगर में या दिल्ली में हम आयरन कोांटिफाई कर सकते हैं कि कितना आयरन डिपॉजिट हो रहा है आजकल मोस्ट कॉमन जो फैटी लिवर की बीमारी है तो हम इस मशीन की मदद से पूरे लिवर में पूरे जिगर में जितना फैट एकूमुलेट हो रहा है उसको भी हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं मई कर सकते हैं दूसरा कैंसर जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल और हम कैंसर की तशखीस से लेकर जितनी ट्रीटमेंट है उसका रिस्पांस हम इस एम के थ्रू जितना मर्जी हम कर सकते हैं इसका एडेड बेनिफिट ये कि छोटे से छोटे ज़ख्म को भी पकड़ता है और इसमें कोई रेडिएशन या कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके सबसे प्लस पॉइंट ये है वो पहले जो एम आर स्कैन अभी तक आए हैं वो थोड़े करने में स्लो थे और ये एम आर जो है वेरी क्विक और तेज़ टेस्ट करता है इसलिए मरीज़ को ज़्यादा देर अंदर रुकना भी नहीं पड़ता ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी मैंशन करना बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एनी हाउ और आ, ये आई डी सी और हमारी तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन है इन द फैसिलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसज़ कि इतना अच्छी इक्विपमेंट और नया मैगरेट हमारे रीजन हज़ारा डिवीजन के लिए इंस्टॉल हुआ है और हम मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से भी और क्लीनिशियन सर्जनस और सारे जितने डॉक्टर हजरात हैं कि हम जितना मैक्सिमम इस इक्विपमेंट से बेनिफिट ले सकें पेशेंट की भलाई और तश्ीस के लिए तो हमें लेना चाहिए किसी किस्म की कोई क्वेश्चन क्यूरीज हो तो क्लिनिशियन डॉक्टर्स हमसे डायरेक्ट रुजू भी कर सकते हैं और पेशेंट आके हमारे इधर रिसेप्शन या सेंटर पर आके कर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं